देखो, अब हमारे ये टॉपिक है कोऑर्डिनेट वेक्टर। वैसे तो ये चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में बिल्कुल पहला ही टॉपिक, बिल्कुल पहली डेफिनेशन है, तो सभी अपना चैप्टर ओपन करके देख सकते हो कि क्या होता है ये। मैंने अभी तक बताया नहीं था क्योंकि इसका यूज नहीं था, अब क्योंकि सेकंड एक्सरसाइज में इसका यूज है तो बता रही हूँ। कोऑर्डिनेट वेक्टर नाम से ही पता चल रहा है कि जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे ना उनका वेक्टर बना दो। अब मैंने ये कहा कि इस तरह से लिखेगा वो यू डी। मान लो मैंने आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन दी यू से लेके डी तक, और इसकी बेसिस दे रखी है बी और इसकी बेसिस दे रखी है आपको बी डैश। सपोज करो ऐसे दे दिया। अब आप क्या करोगे, कोई भी इसका वेक्टर पिकअप करोगे ना, आपने स्मॉल यू लिया कैपिटल यू में से, तो ऑब्वियसली अगर बेसिस है तो बेसिस मान ही लेते हैं। ऐसे मान लो U1, U2, अगर ये बेसिस है तो हर एक एलिमेंट इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए, तो आप इस यू को ऐसे लिख सकते हो A1, U1, A2, U2, AN, U1, है ना। तो एवरी एलिमेंट ऑफ यू कैन बी रिटन इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इन द एलिमेंट्स ऑफ बी। तो अब जो कोऑर्डिनेट्स आए ना वो देखो क्या आए हैं, A1, A2, AN। तो हमेशा जो भी कोऑर्डिनेट्स आते हैं उनको हमेशा कॉलम में लिखना है, कोई रो में नहीं लिखेगा। तो कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या आया अपना, A1, A2, जाया कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या होता है। पहले जो चीज लिखी जाएगी वो वेक्टर होगी, दूसरी जो चीज लिखी जाएगी वो सेट होगा। ये जो है, ये जो लिखा है ना, ये तो एलिमेंट है, और जो ये चीज लिखी है ये बेसिस है। अब इस एलिमेंट को इस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे, जो कोफिशिएंट आएंगे उनको वेक्टर्स में लिख दो, कॉलम्स में लिख दो। कॉलम में लिखोगे दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट वेक्टर U का विद रिस्पेक्ट टू B। सभी को डेफिनेशन क्लियर है ना, देखो एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से। अब इसी तरह से अगर मैं ये पूछूं तो ये क्या होगा, इसका मतलब होगा U की जो इमेज निकाली है ना, अब यू की इमेज तो वी में आएगी, है ना। टी यू किस में आएगा, वी में। और वी की बेसिस मान लो जैसे कि बी डैश हमने मान लिया, बी1, बी2, बी है। अब तुम क्या करोगे, इस एलिमेंट को इस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे, बिकॉज ये भी एलिमेंट वी का है और ये बेसिस है वी की। तो हम टी ऑफ यू को ऐसे लिख सकते हैं, ए मान लो, बी1 मान लो, B1, B1, B2, B2, BM, BM। तो इसको ऐसे लिखना, TU B dash this is equal to same ऐसे B1, B2, BM। This is the coordinate vector of TU with respect to basis B dash। ऐसे बोला जाएगा ये, और लिखा ऐसे जाएगा। और जो मैं तुम्हें करवा रही थी, अपन ने किया 7.1 में, उस जो हम मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं वो कैसी आती है, टी बी बी डैश। इसका मतलब क्या हुआ, बी के एलिमेंट्स पे जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाई उसको मैंने बी डैश के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, तो जो हमारी मैट्रिक्स आती है उनको भी तो हम कॉलम्स में लिखते हैं ना, जो कोऑर्डिनेट आते हैं रो में थोड़ी लिखते हैं, तो ट्रांसपोज ही करते हैं। तो जो भी हमारे कोऑर्डिनेट्स आएंगे उनको हम वेक्टर्स में लिख देंगे, कॉलम्स में लिख देंगे, और जो मैट्रिक्स आएगी उसको ऐसे लिखना, जो इधर इसकी बेसिस होती है उसको बी बोलेंगे, जो इसकी बेसिस होगी उसको बी डैश बोलेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, जो हम कर रहे थे अभी तक मैट्रिक्स, उसको ऐसे लिखना है कि बी की बेसिस, जो बी बेसिस है उनकी हमने इमेज निकाली, उन सभी की इमेज को मैंने बी डैश के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आए उनको मैंने कॉलम्स में लिख दिया।
तो ये जो मैट्रिक्स आती है इसको टी सच डेट करके बी कॉमा बी डैश लिख दिया जाता है। नोटेशन क्लियर है ना, क्योंकि थ्योरम में इन तीनों नोटेशंस का यूज होने वाला है। चले आगे, सभी को तीनों नोटेशंस क्लियर है? लिखो सभी, छोटा सा वाई लिख दो एक बार सभी। यस मैम मत लिखा करो, वाई लिख दिया करो जल्दी से। सभी रिप्लाई करो जल्दी से, फिर हम आगे मूव करेंगे। ओके देखो अब हम करते हैं अपनी थ्योरम, सभी निकाल लो 7.2 की फर्स्ट थ्योरम। We have to prove T U B dash is equal to अब ये सभी मैंने बता दिया तुम्हें क्या होते हैं, है ना। हमें ये प्रूव करना है कि इस मैट्रिक्स की इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये वाली मैट्रिक्स आएगी, हमें ये दिखाना। तो इनको बिल्कुल ओपन कर लेते हैं अच्छे से। पहले तो U को B के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे, तो पहले बेसिस मान लेते हैं। देखो इसने कैसी मान रखी है, B dash, B तो इसने मानी है M। चलो निकालते हैं अभी। पहले तो ये निकालो, U को B के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे तो U को हम इस लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, तो A1 U1, A2 U2, AM UM, N ऐसे लिखा जाएगा। तो जो ये वाली मैट्रिक्स है वो क्या आएगी अपनी, इधर लिख लेते हैं U कॉमा B, हमारा आएगा ए वन ए टू ए एन, ये हमने अलग से रख लिया। फिर ये और निकाल लो, चलो इसको निकालते हैं। टी यू मतलब कि इसकी इमेज, और किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे, बी डैश के। बी डैश के इसके B1, B1, B2, B2, B, M, B, yeah। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आया, P of U, comma B dash, B1, B2, Bn। अब देखो ये और निकालना पड़ेगा ना, ये निकालते हैं T B B dash, T B B dash का मतलब क्या है कि U के B की बेस जो बेसिस है इनकी इमेजेस को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना पड़ेगा। ठीक देखो ये निकालो, इसकी बेसिस U1 है, अब इस पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाई तो ये किसका बन गया, V का, और V की बेसिस ये है तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे ए वन वन यू वन, मैंने बता रखा था ना कैसे लिखोगे आप, फिर टू वन यू टू, और लास्ट क्या आएगा, N है सॉरी V, ऐसे ही करते हैं ना कि इसके एलिमेंट की जो इमेज आएगी वो B डैश के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी जाएगी, बिकॉज दिस एलिमेंट जो T ऑफ U1 है ये एलिमेंट हमारा V में है और V की बेसिस B डैश है तो B डैश के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देते। इसी तरह से एवरी एलिमेंट की निकालो, आप T ऑफ U2 निकालो,
A12, फिर 22 एंड लास्ट वन इज M. A को निकाल लेते हैं UN वाली. 1N, 2N, MN. यहां तक क्लियर है? पिछला ही रिवाइज हो रहा है. पूरी थ्योरम कर लेते हैं एक बार, मतलब इरेज करने से पहले पूछ लूंगी कहीं डाउट होगा. यार अब तुम्हें पता है कि इसको कैसे लिखते हैं, टी बी बी डैश कॉलम्स में लिख रहे हैं ना इनको. ये जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं A11, A21, फिर AM1. नेक्स्ट कॉलम क्या आएगी, 1 2, 2 2, M2 एंड 1N, 2N, MN. यहां तक बता दो मुझे, किसी को भी कोई डाउट है? हमने तीनों मैट्रिसेस निकाल लिए, बताओ मुझे. क्लियर है सभी को यहां तक? हमने सिर्फ अभी क्या किया, सारी की सारी मैट्रिसेस की वैल्यू फाइंड आउट की. बताओ. ओके ठीक है, ठीक है, सभी को क्लियर है? ओके देखो, सभी देखो एक बार ध्यान से, रिवाइज करते हैं एक बार. हम क्या करते हैं हमेशा, जब भी मुझे ये वाली मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी होती है तो हम फर्स्ट वाली के, जैसे हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होती है यू से वी ना, तो हम इसकी बेसिस लेते हैं, इसकी जो भी बेसिस होगी उनकी इमेजेस निकालते हैं और उसको इस वाली बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देते हैं. ध्यान से सुनना, U की बेसिस ली है B, इनके हम इमेजेस निकालेंगे और उनको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे. तो मैंने की ये U1 है, U1 की मैंने इमेज निकाल ली, तो ये आएगी T ऑफ U1. अब जो ये T ऑफ U1 है ये V में चला गया ना, अगर आप U1 की इमेज निकालोगे तो T ऑफ U1 ये अपना इसमें जाएगा. अब इस एलिमेंट को मैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ, तो मैंने यही किया, A11, B1, A21, B2, AM1, BM. फिर हमने यही किया है U2 के साथ, U2 की इमेज भी तो V में ही आएगी, तो इसको भी V की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो मैंने वही किया. सिमिलरली फॉर BM, UN, UN में आप क्या करोगे, इसकी इमेज निकालोगे और V1, V2, VN के लीनियर कॉम्बिनेशन में M आएगा, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देंगे. यहां तक क्लियर है ना ज्योति? U की बेसिस के एलिमेंट लेना और V की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देना, ये काम करना होता है. फिर हम क्या करते हैं, अपने जो भी कोऑर्डिनेट्स आते हैं, पहले फर्स्ट रो ये दिख रही है बट ये फर्स्ट रो नहीं है, हमेशा कॉलम्स में लिखने होते हैं अपने को वेक्टर्स. तो मैंने ये वाला जो वेक्टर आएगा ना कोऑर्डिनेट वेक्टर, उसको फर्स्ट कॉलम में लिखा. देखो A11, फिर 2-1, फिर M1, फिर 1-2, फिर 2-2, फिर M2, फिर 1N, 2N, MN. अब क्लियर है तीनों मैट्रिसेस? रिप्लाई करो ज्योति. यस मैम. ओके अब हमें करना है, देखो हमारा मेन मोटिव क्या है कि मैं, मुझे ये दिखाना है कि इस मैट्रिक्स की इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आना चाहिए, है ना? तो हमारा काम अभी बाकी है. चलो अब देखो यहाँ पे ना, हमारे हमने क्या निकाला, U1 की इमेज निकाल दी, U2 की, UN. यहाँ पे भी U1, U2, UN है, तो क्यों ना मैं दोनों साइड T अप्लाई कर दूं इस वाले में. करो एक बार अप्लाई, ये वाली जो हमारी टी ना, ये वाली मैट्रिक्स, इसमें क्या करते हैं, दोनों साइड टी अप्लाई कर देते हैं, इमेज निकालो दोनों साइड. यहाँ पे लगा दी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे लगा दो, सारी जगह लग जाएगी ऐसे. फिर आप क्या करोगे, टी ऑफ U1 की वैल्यू है ना ये रही, टी ऑफ U2 भी है, टी ऑफ UN की भी है, सभी की है. तो T of U क्या आएगा, इसकी A1 से प्रोडक्ट
इसकी ए टू से और इसकी ए एन से। देखो ध्यान से, तो मैं यही पे थोड़ा सा कर देती हूँ, टी ऑफ यू इज इक्वल टू टी ऑफ यू इज इक्वल टू इसकी ए वन से प्रोडक्ट, इसकी ए टू से और इसकी ए, है ना, यही नहीं आएगा। देखो टी ऑफ यू है तो ए वन फिर लिया टी ऑफ यू वन, फिर ए टू टी ऑफ यू टू, फिर ए एन टी ऑफ यू वन, ये लिख दी। अब इनको थोड़ा सा अरेंज करो, हमें वन वाले एक साथ चाहिए, बी टू वाले एक साथ और वी एन वाले एक साथ, करो इनको थोड़ा सा सेट करते हैं। ऊपर वाला पोर्शन इरेज कर दो ना, यहां से इतना ऊपर वाला, ये क्लियर हो गया ना। हमने सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की और टी ऑफ यू वन यू टू यू एन की वैल्यूज पुट की और कुछ नहीं किया हमने। चलो करें ना, इरेज कर दो ऊपर से, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है। बोलो तो देखो, D1 का T of U is equal to A1, A11, फिर A2, A12 और AN, A1N, इन सभी के साथ V1 है। देखो फिर प्लस A1 की इसके साथ A21, A2 की इसके साथ और AN की इसके साथ 2 है। और लास्ट और लिख लेती हूँ मैं, A1 की इसके साथ A1 और A2 की AN2, AN की AMN। हमने ये किया बस, V1, V2, VN अलग अलग कर और कुछ नहीं किया। तो चलो इनको इरेज कर देते हैं, सिर्फ हमने यहाँ से V1 कॉमन ले लिया, यहाँ से V2, यहाँ से VN। अब तुम ध्यान से देखो एक चीज, TU को V1, V2, VN के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हो, V1, V2, VN, B dash ही तो थी, तो इसका मतलब TU को जब हम B dash के linear combination में लिख रहे हैं, जो हमारे scalars आते हैं उनको हम columns में लिख लेते हैं। First vector, first जो coefficient हम अपना ये आया ना, B1 का coefficient, फिर B2 का ये आया है, एंड लास्ट वन अपना ही आया। समझ गए, यही तो मतलब होता है ना कि TU को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे, जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे उनको ना कॉलम्स में लिखा, पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पर और लास्ट वाला यहाँ, समझ गए। अब ध्यान से देखो, आप अगर आप इस मैट्रिक्स की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही नहीं मिलेगी, एक बार चेक करो। अगर मैं इस मैट्रिक्स की यू कोमा बी के साथ प्रोडक्ट कर दूं तो क्या मुझे यही मैट्रिक्स नहीं मिलेगी? चेक करो एक बार, देखो इसकी मल्टीप्लाई ए वन से ये रहा, इसकी मल्टीप्लाई ए टू से ये रहा और इसकी मल्टीप्लाई ए एन से,
ये रहा फर्स्ट, ऐसे ही आता है ना इसकी इससे, तो फर्स्ट एलिमेंट आ गया। फिर इसकी करोगे इसके साथ, ये रहा सेकंड की सेकंड के साथ ये वाला एलिमेंट, और फिर लास्ट की लास्ट के साथ ये रहा, फिर उनको ऐड कर देते ऐसे ही। लास्ट वन साफ साफ दिख रहा है, ए वन एम, देखो ए एम वन की ए वन के साथ, ए एम टू की ए टू के साथ, इसके साथ, और फिर इसकी इसके साथ आ गई ना यही मैट्रिक्स। बोलो, तो इसका मतलब हमारा हो गया, हमें पहले इसको ऐसे लिख देना है और फिर हम इसको क्या लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू टी बी कोमा बी डैश एंड मल्टीप्लाई बाय यू कोमा बी, यही हमें प्रूफ करना था। ऊपर देखो मैंने लिखा हुआ सबसे ऊपर टी यू कोमा बी डैश दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये हमने प्रूफ किया। सभी को थ्योरम क्लियर है ना? बोलो, सेकंड पार्ट, सेकंड थ्योरम करते हैं, वो इसी की बहन है, बिल्कुल सेम है, तभी वो साथ में ही दे रखी। बताओ सभी को क्लियर है? चैट बॉक्स में एक बार फटाफट से यस या नो लिख दो, जिनको क्लियर नहीं है तो नो लिख देना। ओके, तो देखो अभी नेक्स्ट थ्योरम पता क्या कहती है, उसने ना क्या किया कि बार ट्रांसफॉर्मेशन यू से यू ले ली, यू से यू ही है और इधर भी बेसिस बी है और इधर भी बेसिस बी है, तो चेंज पता क्या आएगा, बस जो हम बी डैश ले रहे हैं उसकी जगह भी बी ही आ गया, बस इतना सा चेंज है। अब की बार हमें क्या करना है, जितना भी वी वन वी टू वी एन दे रहे थे वहां पर यू वन यू टू यू एन ही आएंगे, तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। अपना काम यही है दिखाना, हमें दिखाना है टी यू को बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में, और ये बी भी दो बार नहीं लिखता, अगर टी के साथ भी लिख दे तो इसका मतलब यही है कि इधर भी बी है इधर भी, तो उसने ऐसे लिख रखा होगा, देख लो ये दिखाना नेक्स्ट थ्योरम में, तो करते हैं। अब तो तुम्हें जल्दी समझ आ जाएगी क्योंकि ना सिर्फ वेक्टर में वी वन वी टू वी एन की जगह यू ही चलेगा। अब जैसे U तो अपने पास यही दे रखा, B अपने पास वही दे रखा है ना, U वन U टू U है, तो मैंने U को B के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रखा था पहले ही ऐसे, और मैंने साइड में मैट्रिक्स लिख ही रखा था। या फिर हम क्या करेंगे, T ऑफ U को, अब जो T ऑफ U है वो वापिस से U में ही आएगा, तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, बट स्केलर्स जरूरी नहीं है सेम आए, तो स्केलर्स चेंज ही आएंगे, B1, B2, Bn, है ना, ऐसे आएंगे। फिर हम वही करेंगे, फटाफट से ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं T, B से B, है ना, ये निकालना है ना अपने को, T, B, B, दो बार नहीं लिखना इसको, ऐसे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, U1 की इमेज निकालेंगे और U1, U2, Un के ही लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, मान लो A11 U1, फिर A21 U2 और AM1 Un, फिर U2 की इमेज निकाल लो। अब पता है बस इतना ही है, B की जगह U आता और कुछ नहीं, टू वन टू 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 एंड एंड लास्ट वन इज टी ऑफ यू वन एंड वन एंड टू एंड एन एन, तो अब जो मैट्रिक्स बनेगी टी B, one, one.
एन टू, वन एन टू एन एन एन। अब मैंने कहा था जैसे इसमें किया था ना वैसे ही करेंगे, यहाँ पर दोनों साइड टी अप्लाई कर देते हैं इस वाले में। अब क्या करो, यहाँ पर भी टी अप्लाई कर दो, यहाँ पर भी और यहाँ पर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले वेक्टर की ए वन से मल्टीप्लाई, इसकी ए टू से और इसकी ए एन से देखो, और फिर आपको टी ऑफ यू मिल जाएगा। तो हम यही कर देते हैं, T of U कैसे आएगा, इस पूरे मल्टीप्लाई ए वन से, इस पूरे की मल्टीप्लाई ए टू से और इस पूरे की मल्टीप्लाई ए एन से। और फिर जो आपका कोफिशियंट आएगा वो क्या आएगा, हम क्या करते हैं यू वन वाले एक साथ ले लेते हैं, यू टू वाले, यू एन वाले, जैसे उसमें किया था वी वन वी टू वी एम वाले के। तो इनको मैं कॉलम्स में लिख देती हूँ, टी कॉमा बी, नहीं टी यू, TU को किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने वाले हो, U1 U2 UN के, तो यही आएगा। This is equal to A11 की मल्टीप्लाई A1 से, फिर A21 की मल्टीप्लाई 12 की मल्टीप्लाई A2 से, एंड लास्ट वन इज A1N की मल्टीप्लाई AN से। इसी तरह से U2 वाले लिखो सारे, 2-1 की A1 से, 2-1 की A1 से, फिर A2 की A22 से, 2-2 से A2 की, फिर A2N की AN से, है ना। हाँ लास्ट और लिख लेते हैं, डैश 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 A1 AN1 A2 AN2 एंड AN की AN से, है ना, यही बनेगा ना। बस अब तुम ध्यान से देख लो, इस मैट्रिक्स की इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिल रही है। देखो अपनी टी यू बी ये आ गई, तो टी बी की मल्टीप्लाई यू बी के साथ करके देख लेना, करके देखना इस मैट्रिक्स की इसके साथ यही मिलेगी या नहीं मिलेगी, चेक करो। करो ट्राई, यही आ रही है। तो इसका मतलब थ्योरम हमारी प्रूफ हो चुकी। सभी को दोनों थ्योरम क्लियर है ना, सेम सेम ही है ये, थोड़ा ध्यान से करना इनको। बोलो क्लियर है सभी को, ओके सभी रिप्लाई करो जल्दी से। हाँ तो अभी मैं क्वेश्चन करवा देती हूँ। हाँ जी मैं वही कह रही हूँ, सब कुछ सेम ही है यहाँ पे, बस आपको वी आई को रिप्लेस कर देना यू आई से और कुछ भी चेंज नहीं है, पूरा सेम। क्वेश्चन में तो क्या करवाएगा, वेरीफाई करवाएगा इनको थ्योरम्स को। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल, आपको टी ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, फोर एक्स माइनस टू वाई, टू एक्स प्लस वाई, और ट्रांसफॉर्मेशन है आर टू से आर टू, क्योंकि यहाँ पे भी टू टपल है, यहाँ पे भी टू टपल है। अब बी हमें गिवन है ये वन वन माइनस वन जीरो, और बी डैश तो कुछ दी नहीं, तो इसमें बी ही दे रखी है दोनों साइड, मतलब कि सेकंड वाली जो थ्योरम की है ना वो वाली अप्लाई कर। पहले तो ये निकालो टी बी क्या आएगी, टीवी का मतलब क्या है, इसकी इमेज निकाल लो और इनके ही लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के देखना है, है ना। तो पहले तो इमेज निकाल लो, वन 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 रखना, फोर में से टू गया टू और यहाँ पे आ गया थ्री,
और फिर माइनस वन जीरो की इमेज निकालो, माइनस फोर आ गया और यहाँ पे टू। फिर क्या करते हैं इनको इसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं और इसकी बेसिस भी उसमें यही दे रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते। एक बार कोफिशिएंट निकालो, आसानी से निकल तो जाएंगे, a माइनस बी टू है और a की वैल्यू तो थ्री आ गई, a की वैल्यू यहाँ रख दो, थ्री माइनस बी टू आ गया तो थ्री माइनस टू बी, बी की वैल्यू वन आ गई, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ थ्री और ये वन। फिर d लिखो यहाँ, c माइनस डी है माइनस फोर और c की वैल्यू है टू, यहाँ पे टू रख दो, टू माइनस डी इज इक्वल टू माइनस फोर, तो d की वैल्यू सिक्स आ गई, हाँ है ना सिक्स ही आ रही, तो हमारा c और d है। फिर हम क्या करेंगे ये जो वेक्टर्स आते हैं इनको फिर हम कॉलम्स में लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख लो t और b, क्या आया अपना थ्री वन, ये कॉलम में लिखो और फिर ये कॉलम्स में लिखो। ये तो अपना पिछली एक्सरसाइज वाला काम है, यहाँ तक तो क्लियर है ना? यस मैम, c की वैल्यू माइनस टू आएगी, c की टू माइनस टू आएगी, नहीं टू ही आएगी, देखो लास्ट में टू है ना, अच्छा डी की कह रहे हो क्या, कुछ गलत किया गया मैंने? यस यहाँ पे माइनस टू है, मैंने आई थिंक मैपिंग ठीक लिखी है, अच्छा ठीक है माइनस टू आएगा, सही कह रहे हो, फिर तो ये माइनस टू है तो यहाँ पे माइनस टू आएगा, फिर तो ये भी चेंज हो जाएगा, जब ये माइनस टू आया तो ये टू आएगा, ठीक है? यस मैम, हाँ चलो ये मैट्रिक्स आ गया। अब हमें क्या करना है, u को लिखना है b के लीनियर कॉम्बिनेशन में और tu को भी लिखना है b के लीनियर कॉम्बिनेशन, बस अपना काम खत्म, तो हम यही करेंगे। चलो u कोई भी एलिमेंट लोगे, अगर आप जैसे आपने कोई भी एलिमेंट लिया a कॉमा b, तो आप इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के देखो, क्या मिलेगा आपको, a माइनस बी और ये a, तो ये तो मैंने गलत ले लिया, यहाँ पे x को y ले, तो a की वैल्यू आ गई y और a माइनस बी आ गया x, तो b की वैल्यू कितनी आएगी a माइनस x इज इक्वल टू b, तो a की जगह y, तो ये मिल गया हमें, यहाँ पे तो लिखेंगे y माइनस एक्स और यहाँ पर लिखेंगे y, तो ये मिले, समझ रहे हो ना, कोई भी जनरल एलिमेंट लो डोमेन का और उसको डोमेन की ही बेसिस में लिख के देखते हैं, यही काम होता है ना, u को b के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख, इसका ही एलिमेंट लिया और इसकी ही बेसिस में लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के देख, तो जो ये u b है ये हमारा क्या आया, फर्स्ट वेक्टर y आया है और सेकेंड वेक्टर y माइनस x, ये आ रहा है। अब एक काम करो, अब इसकी इमेज निकालो, देखो इसको भी b के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के देखेंगे, अब इसकी इमेज हमारी क्या आई, ये अब इसको किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के देखना है, इसके ही, क्योंकि यहाँ पे चेंज नहीं किया है बेसिक, तो इसके ही लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के देखो b के साथ ही, अब निकालो a और b की वैल्यू, a माइनस बी और यहां पर a, a की वैल्यू तो आ गई, a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो,
तो b को इधर ले आओ, इनको इधर ले जाओ. b इज इक्वल टू 2x प्लस y माइनस 4x प्लस 2, माइनस का 2x प्लस 2, है ना. अब इनको क्या करेंगे, जो a और b आया है इनको भी कॉलम्स में लिखेंगे. तो 2x प्लस y और माइनस का 2x प्लस 3y. अब हमें क्या करके देखना है कि दिस इज इक्वल